हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता श्रीवास्तव अर्जुन किचन ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए दिवाली स्पेशल मिठाई लेके आई हूँ, मिल्क पाउडर की बर्फी, जो खाने में काफ़ी टेस्टी और बहुत इजीली आप अपने किचन में बना सकती हैं। सबसे पहले आइए हम उनके सामानों को देख लेते हैं। ये हमने ले लिया है 1 कप मिल्क पाउडर, आप किसी भी ब्रांड अच्छे ब्रांड का मिल्क पाउडर ले लीजिए। ये आधा कप चीनी है, ये हमने ले लिया है 1/4 कप देसी घी, और हमने ले लिया एक छोटी चम्मच इलायची पाउडर, और हम ले लिया 2 कप दूध। चलते हैं हम गैस की ओर। हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है, अब इसमें मैं डालूंगी घी। ये हम देसी घी डाल रहे हैं, आप तो चाहे तो वनस्पति घी का भी यूज कर सकती हैं। घी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है, अब इसमें मैं डालूंगी 2 कप दूध है, इसे मैं डालूंगी। आप अपने घर में किसी भी कटोरी या कप से मेजरमेंट कर ले, उससे बहुत ही इजली आपके ये बर्फी बन के तैयार होगी। घी अच्छे से मेल्ट हो गई है, और इसमें मैं दूध मिक्स कर दे रही हूँ। जब इसमें एक बॉयल आए तब मैं आगे का प्रोसेस करती हूँ। दूध अच्छे से पक रहे हैं, ये दूध हमने नॉर्मल लिए रूम टेम्परेचर पे। अब मैं गैस को लो कर देती हूँ। अब इसमें मैं डालती हूँ मिल्क पाउडर, डालते हुए इसे हमें मिक्स करना है ताकि एक भी इसमें लंग्स ना पड़े, और आते जाना है। इसको दूध में हमें अच्छे से मिक्स करना है। आप अगर अपने घर में कोई भी कटोरी और कप से मेजरमेंट करेंगे तो आपकी बहुत ही परफेक्ट बर्फी बन के तैयार होगी। उसे बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। जो इसमें गुठलियां हैं वो धीरे धीरे मेल्ट हो रही हैं, और इसको हमें कंटिन्यू चलाते हुए लो फ्लेम पे बनाना है। इसको बनाने में कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। अब इसमें मैं डालूंगी 1/3 कप चीनी, और इसको हम मिक्स करेंगे। मिल्क जो है जैसे मिल्क मेल्ट हो गई है, अब इसमें हम चीनी डालते हुए इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे कंटिन्यू चलाते हुए। इसमें हमें मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। चीनी डालने से ये थोड़ी पतली हो गई है, अब इसको हम कंटिन्यू चलाते हुए इसको हमें भूनना है, गाढ़ा करना है। मिल्क देखिए थोड़ी थोड़ी ये गाढ़ी हो रही है, अब इसको हमें कंटिन्यू चलाते हुए इनको हमें भूनना है। और फ्लेम को आप बीच में मीडियम भी कर सकते हैं कुछ देर के लिए। फ्रेंड, इसको हम मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए किए हैं, इसको चलाते हुए हमें भूनना है। अब इसमें मैं डालूंगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 छोटा चम्मच हरी इलायची का पाउडर, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। आप चाहे तो रोज एसेंस भी यूज कर सकते हैं। अब मिल्क गाढ़े हो रहे हैं, अब इसको मैं लो फ्लेम कर दे रही हूँ, और लो फ्लेम करते हुए इसे हमें बहुत ही अच्छे से चलाना है ताकि तले में चिपके ना। ये गाढ़ी हो गई है, और ये तले को किनारे से छोड़ नहीं है। अभी इसे हम और दो से 3 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से गाढ़ी हो गई है और तले को छोड़ देंगे, इनको हम थोड़ा देर और भूनेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत गाढ़ी हो गई है, अब तले को छोड़ रही है। अब इसको मैं चेक करती हूँ कि हमारी बर्फी जमने के लिए तैयार है कि नहीं। एक प्लेट में हम थोड़ा सा इसका बर्फी का बैटर लेंगे, और इसको हम ठंडा करके देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने गैस को बंद कर दिए हैं, और इसको हम देखिए बिल्कुल हो गया है। अब मैं जो कटोरी में रखी थी उसको दिखाती हूँ। अगर आपकी बर्फी जमने के लिए तैयार है तो उसके लिए हमने इसको ठंडा कर लिया है। अब देखिए ये अच्छे से इसकी गोली बन रही है, यानी समझिए आपकी बर्फी जमने के लिए एकदम परफेक्ट है। अब मैं इसको ट्रे में जिसमें हमने ऑयल को ग्रीस किया उसमें डालूंगी। बटर पेपर है, अब इसमें घी को हम ग्रीस कर देंगे अच्छे से ताकि हमारी बर्फी जो है बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप ट्रे में घी लगा लीजिए, उससे भी इजली निकल जाएंगे। अब इसमें मैं डालती हूँ
स्टफिंग इसकी बर्फी जमाने की। इसे हम दो कलर में बनाएंगे फ्रेंड्स, तो हम आधा इसको हम व्हाइट बनाएंगे और आधा हम इसमें कलर डालेंगे। इसको हम इस बॉल में निकाल दे रहे हैं। अब इसमें अपने मनपसंद आप कोई भी कलर डाल सकते हैं या आप प्लेन भी बना सकते हैं। इसमें एक पिंच हम कलर डाल देते हैं, जो कि हम त्योहारों में बना रहे हैं तो ये थोड़ा सा मार्केट स्टाइल लगे, रंग बिरंगी, बच्चों को बहुत ही पसंद लगती है ये सब मिठाइयाँ रंग बिरंगी, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। अब इसको हम मिला लें, अच्छे से सेट कर लेते हैं ट्रे में। इसमें हमने बटर पेपर पहले ही से लगा लिया है और ऑयल से ग्रीस कर लिया है घी से। अब इसको मैं जमाती हूँ। एक लेयर इसका हमने जमा लिया है, उसमें हमने लगा लिया था चम्मच में घी और अच्छे से हमने इसको बिल्कुल इक्वल प्लेन हम इसको जमा दिए थे। अब इसमें हम डालते हैं दूसरा कलर, क्योंकि दो लेयर की हमने बर्फी बना रही है। अब इसको भी हम चारों तरफ से बराबर जो है प्लेन कर देंगे। प्लेन करके इसको हम अच्छे से सेट कर देंगे। फ्रेंड्स, हमने चम्मच की हेल्प से हम इसको बिल्कुल एकदम प्लेन कर दिए हैं। अब इसको हम दो लेयर वाली बनाए हैं बर्फी। अब इसको हम सेट होने के लिए रख देते हैं ठंडे जगह पे। इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे 1 से 2 घंटा के लिए, ताकि बर्फी हमारी अच्छे से सेट हो जाए। फ्रेंड्स, इसमें हम सिल्वर पेपर लगा रहे हैं, जो हम मार्केट में बर्फी खाते हैं बिल्कुल उसी तरह। इसको सारा फ्रेंड्स इसको बहुत सावधानी से लगाना है, नहीं तो ये हवा थोड़ी सी हवा में ये चिपक जाती है हाथों में। इसे हम इस तरह करके इजली प्रेस करेंगे और सारे बर्फी को हम इसी तरह सजाएंगे। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट से भी सजा सकते हैं। बर्फी हमारे अच्छे से सेट हो गई है। अब इसे मैं कुकीज कटर से हार्ट शेप का मैं इसको कट करती हूँ। आप चाहे तो बर्फी का शेप दे सकते हैं। अब मैं इसको इजली दम कट कर दूंगी। ये देखिए हमारे फ्रेंड्स, ये मिठाई हमारी दो लेयर वाली बर्फी बिल्कुल परफेक्ट जम के तैयार हो गई है। अब इसी तरह हम अपने कुकीज कटर से सारे बर्फी को कट करके आपको मैं दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हमारी बर्फी मिल्क पाउडर की बहुत ही इजली तरीके से बन गई। ये बहुत ही सॉफ्ट है। आप इसे ज़रूर बनाइए इस दिवाली में, अपनी फैमिली को खिलाइए, अपने फ्रेंड्सों को खिलाइए, और हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के बताएं कि ये बर्फी आपकी कैसी बनी। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो है आपको इजली मिल जाए। फिर मिलती हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।